नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बहुत लोग पूछ रहे थे कि एसएससी जीडी में क्या शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर सच में रिपीट होता है। हाँ, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर रिपीट होता है। पिछले साल भी अगर उठा के देखो तो एक एक दिन में जो एक शिफ्ट में पूछा जाता है वो दूसरे शिफ्ट में रिपीट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है आपका 20 फरवरी से शुरू होने वाला है, तो आपको दो काम करना है यहाँ पर अगर आप ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं। देखो, पढ़ाई तो सबको ही कर रहा है अपने घर में, हर कोई अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन ये दो काम अगर आप कर लेते हो तो एसएससी जीडी में आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। और वे दो काम क्या है। पहला काम ये है कि 2021 और 2022 का जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर हुआ है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, रिवीजन के तौर पर पढ़ लेना है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करना है, आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मान लो 20 फरवरी को जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर होगा, 1, 2, 3, 4 शिफ्ट में, तो वे सब शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर करना है। मान लो 20 फरवरी का जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर है तुम कर लिए, तुम्हारा एग्ज़ाम पड़ा 2 मार्च को, कितना को, 2 मार्च को, और उस दिन का दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पहला शिफ्ट में आ गया, उस दिन तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तुम्हारे लिए कितना होगा, तुम तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। मतलब जितना चाहो उतना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि तुम तो ये पूरा पढ़ के कहो यही पूरा रिपीट हो गया है, थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है या पूरा का पूरा ही रिपीट हो गया, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स वहाँ पर गेन कर सकते हो। ठीक है, तो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर तुमको कंप्लीट करना है। और मैं भी अपने चैनल पर 2021 और 22 वाला शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर बहुत जल्द लेके आऊँगा, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट था, जो जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ था, वे लोग को वे सब शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा। इसके लिए वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो पर कम से कम 100 लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।